शर्मो सर के लिए मैं यही कहूँगा कि उन्होंने इतने सीजन देखा है डांस प्लस के, तो आई थिंक वो इज वन ऑफ द इंस्पिरेशन हम सभी के लिए, क्योंकि मैं सभी को बोलता हूँ कि शक्ति पुनी ये सब फर्स्ट जनरेशन ऑफ रियलिटी शो के डांसर्स हैं जिनको हम भी कभी टीवी पे देख के इंस्पायर हुए। वेल पुनीत भाई के लिए मैं ये कहूँगा कि पुनीत भाई और हमने ऑलमोस्ट एक साथ आई थिंक टाइम पे रियलिटी शो कोरियोग्राफ करना शुरू किया था, सो हमारी जर्नी कुछ 12-13 साल की। बिग बॉस में मैं आई थिंक लोग अंकिता और विक्की को जानता हूँ पर्सनली। हो गया आपका बिग फैन आ गए आपके पुनीत भाई, बड़े बड़े मजाकिया है, सेट पे भी काफी मस्ती करने वाले हैं। तो सीखा है। अच्छा इसको पूछता दो रोटी के बारे में बता दीजिए, तो भाई भी सामने ही दूर उठ के बाय 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 पुनीत भाई जी बाय। यस तो राहुल जी क्या कहेंगे डांस प्लस फिर से एक बार, और क्या कहेंगे, तीनों ही काफी बेमिसाल हैं, आपके भी बारे में मैं भी सुना भाई ने काफी तारीफ की, क्या कहेंगे आप? वेल डांस प्लस प्रो हो रहा है और जो दो कैप्टन्स ऑलरेडी है जो इतने सीजंस कर रहे हैं पुनीत और शक्ति, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही टैलेंटेड है। अब थर्ड कैप्टन इस सीजन में आया हूँ तो इस सीजन का प्रो मैं हूँ मजाक कर रहा हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने, कंटेस्टेंट्स के लिए अच्छे एक्ट प्रेजेंट करूँ और डांस प्लस प्रो का लेवल जो डांस प्लस 6 सीजन का था उससे एक लेवल ऊपर लेकर। बिल्कुल भाई, जब भी लेवल अब होते तो मैं ये कहूँगा कि जिम्मेदारियाँ बढ़ती है, काफी टफ होता है कंटेस्टेंट के लिए, आप लोगों के लिए जज करना कितना डिफरेंट होने वाला इस बार का, क्या कुछ नया है? डांस प्लस प्रो का चैलेंज बहुत बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज अभी के जो डांसर्स हैं वो बहुत ही टैलेंटेड है और वो ऐसी चीज़ें करते हैं और इतना क्विक है कि हमें हमारे लिए भी एक चैलेंज होगा उनके लिए एक्ट सेट करना, क्योंकि वो अगर टॉप लेवल पे है तो हमको उनको एक लेवल और ऊपर लेकर जाना, सो आई थिंक दैट वुड बी अ चैलेंजिंग टास्क फॉर ऑल द कैप्टन्स। अब बात करता हूँ मास्टर जी की, क्या कुछ कहेंगे मास्टर जी के लिए, क्योंकि काफ़ी जिम्मेदारियाँ आप लोगों के ऊपर भी होगी। करेक्ट, तो मास्टर जी के लिए क्या कहेंगे रेमो सर? रेमो सर के लिए मैं यही कहूँगा कि उन्होंने इतने सीजन देखे हैं डांस प्लस के, तो आई थिंक वो अभी बहुत ही प्रो हो चुके हैं अपने जजमेंट को लेकर, बट आई थिंक उनके वजह से ही हम अच्छा काम कर पाएंगे, बिकॉज वो हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमेशा सही गाइड करते हैं हम सभी को, तो आई थिंक उनके होने की वजह से ये सीजन और अच्छा हो जाएगा। शक्ति के लिए क्या कहेंगे और पुनीत सर के लिए क्या कहेंगे? वेल शक्ति के लिए मैं यही कहूँगा कि शक्ति इज वन ऑफ द इंस्पिरेशन हम सभी के लिए, क्योंकि मैं सभी को बोलता हूँ कि शक्ति पुनीत ये सब फर्स्ट जनरेशन ऑफ रियलिटी शो के डांसर्स हैं जिनको हम भी कभी टीवी पे देख के इंस्पायर हुए, सो आई थिंक उनके साथ ये मंच शेयर करना हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, एंड शक्ति एज अ डांसर भी अभी भी इतनी टैलेंटेड और इतना ग्रेसफुल परफॉर्म करती है, सो मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं शक्ति के बाजू में बैठा पुनीत जी के लिए। वेल पुनीत भाई के लिए मैं ये कहूँगा कि पुनीत भाई और हमने ऑलमोस्ट एक साथ आई थिंक टाइम पे रियलिटी शो कोरियोग्राफ करना शुरू किया था, सो हमारी जर्नी कुछ 12-13 साल की है एंड उन्होंने मेरी जर्नी देखी और मैंने उनको बढ़ते हुए देखा है, फ्रॉम अ डांसर टू अ कोरियोग्राफर टू एन एक्टर टू अ कैप्टन एंड मेनी मोर नाउ, सो आई थिंक पुनीत भाई इज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन और बहुत मजा आने वाला है और पुनीत भाई तो दिल है यार। लास्टली यही कहना चाहूंगा, रियलिटी शो की बात करूँ तो बिग बॉस चल रहा है, राहुल भाई किसको थोड़ा बहुत फॉलो कर पा रहे हैं? बिग बॉस में मैं आई थिंक लोग अंकिता और विक्की को जानता हूँ पर्सनली, जानता हूँ मतलब मैं मिला हूँ उनको एक दो बार, तो मैं उनकी जर्नी देखते रहता हूँ इंस्टाग्राम पे यहाँ वहाँ, सो आई थिंक कुछ चीज़ें अभी उनके बीच में सही नहीं चल रही, बिल्कुल, बट आई थिंक बहुत ही जल्द वो सॉल्व हो जाएगा एंड आई होप द बेस्ट वन विंस। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू।